मैं बताता हूं, खिलौना का नाम है चंदन चरखा, कटक हिलोरा, मरुन बाजा। ये तीन खिलौना है, बहुत सुंदर खिलौना है। ये तीनों खिलौने में लक्ष्मी सरस्वती महादेव की वासना है। अगर ये खिलौना अगर तुम्हारे राज महोबा में आ जाए तो महोबा किला धन्य धन्य हो जाएगा और उसके साथ तुम लोगों का भी जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। दादाजी, यह तीनों खिलौना चंदन चरखा कटक खिलौना मरुन बाजा, देखो यह लक्ष्मी सरस्वती का वासना है। हाँ। महादेव का वासना है। हाँ। अगर मोबी किला मेरे पास अगर आ जाएंगे तो धन धन हो जाएंगे। बस बस देखो कंचन कुमार, दादाजी यह खिलौना है कहाँ? हम बताते हैं। अरे खिलौना तो हर जगह मिलता है, लेकिन हाँ सागर मिल जितो एहनो पाव नहीं कहीं मिलता ना, तो है वो लकड़ी वाला दुकान जे करे छो वकरा लगन मिलता। हाँ सुनी कंचन कुमारी, तुम यहाँ से चले जाओ तुम अपने माँ के पास। हम जानते हैं कि तुम दो चार बहन नहीं हो, सिर्फ सिंगल एक बेटी हो, दो भैयारी में एक बेटी महोबा किला राज में। तुम जाओ अपने माँ के पास और तुम अपने माँ से बोलना कि माँ मुझे सुप्ती मौनी खेलते खेलते अब जो है मेरा मन भर चुकी है, इसलिए तुम मुझे तीन खिलौना है, तुम वो तीनों खिलौना मुझे ला करके दे दो। दादाजी अगर माँ के पास मैं जाऊंगी, माँ को सारी कहानी सुनाऊंगी, अगर माँ लाए ला करके देगी मैं क्या करूंगी? नहीं लेकर देते अगर नहीं लेकर देते तो तू हमरा फिर बोलेंगे है, तोरा हम दबोली। ठीक है दादाजी, मैं चलती हूँ माँ के पास। ठीक है, तुम जाओ अपने माँ से, तुम ये तीनों खिलौना मांग लेना, चंदन चरखा कटक हिलोरा मरुन बाजा। अगर माँ नहीं बताई तुम मुझे और नहीं ला करके देगी मैं फिर आपको इंतजार करूँगा। ठीक है, ना नहीं देते ना तनी वो तर्कियों भर की देवी तब, अगर नहीं ला कर देते तो कहिए माँ अगर तुम खिलौना हमको ला करके नहीं दोगी तो हम जहर महर खा करके मर जाएंगे, उससे भी नहीं हो तो हम रेल में कट के मर जाएंगे, अगर उससे भी नहीं हो तो हम किसी नदियों किसी दरियों में जाकर के डूब के मर जाएंगे। बाप रे बाप, एक गो बेटी छी, इतना बात कभी तुरंत नहीं के देते। ठीक है मैं जा रही हूँ दादाजी, लेकिन एगो बात हो, अगर तोरा जे कोई पूछता हो पता जेहन बुद्धि के दलको तो ककर नाम कहो? दादाजी आपका नाम मैं कहूंगी। हमर नाम जी, अब तो बुझिया जीवन में ललसा लागले रह जे, हमर नाम ने उठना चाहिए। क्या आपका नाम माँ के पास नहीं बोलोगे? नहीं, तुम अपने माँ के पास बोलना कि माँ आज हम ऐसे खेल रहे थे, मुझे माँ दुर्गा ने अचानक मुझे सपना दिया। ठीक है मैं चलती हूँ दादाजी। ठीक है चल, मेरे ऊपर निगाह रखना। ठीक है, तुम जब मुझे बुलाओगी हम हाजिर हो जाएंगे। ठीक है जाओ। लीजिए रोशन आशीष, रोशन आशीष टेंट हर्ष बेलसंडी के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से 51 रुपए का नोट आता फरमाए, पूरे पार्टी से धन्यवाद फरमाती हूँ। जय हिंद जय भारत। आइए अपने पुरस्कार के दौर में माँ काल माँ लक्ष्मी सेवा सदन हॉस्पिटल, माँ लक्ष्मी सेवा सदन हॉस्पिटल मेन रोड उसरी NH, इनका व्यवस्थापक है आलोक यादव उर्फ रुकेश यादव, उनका मोबाइल नंबर है 7870-38-45-45। इनके तरफ से शानदार 51 रुपये का पुरस्कार मिले हैं, मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप हमारे पुरस्कार के दौर में अजीत रुपेश टेंट हाउस, अजीत रुपेश टेंट हाउस बेलसंडी, आपके तरफ से 201 रुपये का पुरस्कार मिले हैं, मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद जय भारत। I'm sorry.
चन चन गे बाबा का बगीचा है, माँ दुर्गा की मंदिर है, वहां जाती थी खेलने के लिए। माँ आज अचानक क्या तुम्हारे दिल में आई कि तो अपनी माँ को बुलाइए, मैं देख रही हूँ तू माँ जो मैं तुम्हें चेहरा तुम्हारी उदास है। क्यों माँ? मैंने हर रोज महल में खेली थी सुक्ति मोड़ी, खेलती खेलती मेरी मन थक गई, मैंने चली गई अपना बगीचा। सुक्ति मोड़ी खेल रही थी माँ, खेलते खेलते मैंने परेशान हो गई। मैं क्या कहूं, मैंने सुक्ति मोड़ी अपना बगीचा में खेल रही थी लेकिन मुझे मन नहीं लगी माँ बेटी, मैंने बगीचा से वापस आ गई बेटी। लेकिन तुम तो वापस बगीचा से आई। हाँ माँ, लेकिन इससे पहले जब तू खेल कर आती थी सखी सहेली के साथ या बगीचा से, तो जैसे तूने ताले पर पैर रखती थी तो चिल्लाते आते थे कि माँ माँ मुझे भूख लगी है कुछ खा।
खाने के लिए दो। लेकिन आज ऐसी बात तो नहीं सुनी है, तू आई हटा का आवाज लगाई, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गया कि आज मेरी बेटी के दिल पर क्या बीत गया है। आज मेरी बेटी ने मुझे बोला रही है, माँ जो मैं कहूंगी मेरी बात रखेगी। कंचन कुमारी तू खुद जानती है ये मौवी राज में इकलौती बेटी है तू, और मैंने तुझे पैदा करने की मालिक हूँ, लेकिन तुझे जान दिल से मेरी गोतनी फुला रानी पोछती है, और तुम्हें जिगर के टुकड़े टुकड़ी बनाकर मेरे देवर बाबू रुद्र सिंह रखता है। ये तुम्हारा ये मौवी राज में तुम्हारी बात नहीं चलेगा तो किसकी चलेगी गे? माँ मैंने सुनती मोड़ी खेलती खेलती मेरी मन थक गई है, लेकिन माँ एक तमन्ना मेरे दिल में लड़सा है, अगर फूर्ति करेगी मैं बोल आकर के सुना सकती हूँ। तू एक बार सुना तुम्हारे दिल में क्या अरमान है। तुम्हारी माँ अगर तू चाहेगी आकाश की तारा चाहिए मुझे माँ, तो मैं देवर को फौरन फोन करूंगी, मिनटों में आकाश की तारा तोड़ कर तुम्हारे चरणों में गिरा देगा। ऐसा खिलौना है माँ, अगर नाम सुनेगी तो खुशी हो जाएगी। हे गे लाला सागे लगा ले मैया गे, हे गे कांचन बेटी जगे जा। उसमें लक्ष्मी सरस्वती का वासना है, महादेव जी का वासना है। इस खिलौने के बारे में इसको कैसे पता चल गया? अरे माँ, अच्छा बेटी, हाँ माँ, क्या तुम नाम बोली चंदन चरखा मरवन बाजा कटक हिलोड़ा? हाँ माँ, ये खिलौना है? हाँ, हगे पगली, अभी तुम नादान हो बेटी, ये कोई खिलौना नहीं है। अगर कोई तुम्हें बताया है तो उसमें मूर्खता ही था जिसके बाद पर तुम चल रही है। नहीं माँ, अगर चंदन चरखा मरवन बाजा कटक हिलोड़ा ये खिलौना अगर संसार में मिलता ये भारतवर्ष में, तो तेरी माँ
सबसे पहले जानकारी लेती, क्योंकि सोना रानी को यह संसार जानता है। जिस खिलौना के बारे में मुझे नहीं मालूम है, उस खिलौना के बारे में तू आज चर्चा की है, मैं कैसे यकीन करूंगी कि ये खिलौना है। एक सपना के जगा के क्या ले, एक दुर्गा के मई योग चा, सपना के पिसा पासा कलियई के लालसे जगे पाला। मैं जो कहती हूँ मेरी बात को सुन, वरना सोना रानी की अगर खोपड़ी घूम गई तो समझ में तुम्हारे साथ बहुत सलूक करेंगी, कैसा बेटी मुझे नहीं चाहिए। एक जाऊं जाती खेलो ना नहीं नहीं ना क्या, एक तबही मई योग जा गर्दासा लिखल छो तो रही है, एक खाई के के मर जा, ऐसी बेटी नहीं चाहिए मुझे। Yeah, come on.
कोशिश करते हैं सुनिए
की भलत आएगी अगे नोनो की भलत दादाजी। हाँ आपने कहे माँ को बुला करके तुमने पूछना और सारी कहानी तुमने कह करके सुना दी। हाँ दादाजी माँ को बुला करके मैंने सारी कहानी सुनाई। माँ मुझे वो खिलौना ला करके नहीं दी और मुझे झोटा थम करके मुझे जमीन पर लेटा करके मुझे लाज चलाई। अरे बाप बता बता कत्ते भारी जुलूम के बाद सने दूगो ने चार गो एगो बेटी बता भैया सब आदमी जमे वो बेटी के ललसा पूरा है छै त नै हरे में है छै ससुराल में कर ललसा नहीं पूरा भ सके। बाप रे बाप एगो खिलौना कारण है नहीं तो ये खिलौना लाइफ के कोनो बात लेकिन लायक चले ना आ मुक्का चले ना कोनो जरूरी है लागे छे बड़की दुलिन के माथा आर करेक भ गेल। बताओ त कब मर मर लगोगे। हां दादाजी बाप चलो दादाजी मैं किसको कहूंगी मेरी ये खिलौना कौन फुर्ती देंगे। सुन अरे तुम्हारी माँ ने तुम्हें खिलौना ला करके नहीं दी हम जानते हैं इस बात को। अरे तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता तो सिर्फ तुम्हें पैदा किया लेकिन तुम्हारा लालन पालन पोषण तुम्हारी चाची ने की। बात सही है या गलत है। हाँ दादाजी एक बच्चा से अपने जांघों पर बैठा करके खुआ होटल मक्खन मिश्री दूध मलाई सब कुछ तुम्हारी चाची ने किया। अरे तुम्हारे माँ के पास में क्या दर्द रहेगा क्या माया रहेगी। तुम ऐसा करो तुम यहां से चले जाओ तुम अपने चाची के पास और ये कहानी तुम अपने चाची को कह करके सुना देना। सुनते ही तुम्हारी चाची तुमको अवश्य खिलौना ला करके दे देगी। ठीक है ठीक है दादाजी लेकिन एक बात सुन लो। क्या भाई जी बिलाए जब एक बार पाके छे ना